आलू चिप्स जो हर किसी की पसंद होती है और हर कोई इसे खाना बहुत बहुत पसंद करता है। हाँ जी, आज मैं आलू के चिप्स की रेसिपी लेके आई हूँ। हर मम्मी, दादी, नानी सभी लोग इसको बनाते हैं। मैंने भी अपनी मम्मी के साथ बहुत बनाया है और आज मैं आपके साथ ये रेसिपी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इसको बनाकर आप 1 से 2 साल तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, इवन 2 साल से भी ज़्यादा कर सकते हैं। और जब भी कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे, कुछ चटपटा कुरकुरा खाने का मन करे, तो चिप्स से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैंने 4 किलो आलू लिए हैं। हाँ जी, मैंने 4 किलो लिए हैं। उनको अच्छे से यहाँ पर धो लिया है। और आलू हम बड़े साइज़ के लेंगे, जिससे हमारे जो चिप्स बनेंगे वो बड़े बड़े और लंबे लंबे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने आलू को धो लिया है। आप अपने हिसाब से इनकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको हम पील कर लेंगे। इस तरीके से हमें सारे आलू को पील कर लेना है। और पील करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमें साथ साथ में इन्हें पानी में डालते रहना है, जिससे हमारे आलू काले ना पड़े। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पानी में ये डले रहें, जिससे इनका रंग काला ना हो। और आप चाहें तो मैं तो यहाँ पर नॉर्मल पानी में इसको डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें फिटकरी के पानी में भी डाल सकते हैं, जिससे बिल्कुल ये सफ़ेद बने रहेंगे। लेकिन ये वैसे भी यदि हम पानी में डाले रहते हैं और कई बार पानी से धोते हैं, तो इसका स्टार्च अपने आप भी चला जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं फिटकरी की, ऐसे भी ये सफ़ेद बन जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे आलूओं को छील लिया है। इस तरीके से सारे आलू छील लिए और इसको मैं अब यहाँ पर अच्छे से पानी में सबको धो लूँगी। बिल्कुल ऐसे, देखिए, हाथ से रगड़ते हुए मैंने सारे आलूओं को यहाँ पर अच्छे से धो लिया है। इस तरीके से हमें सारे आलूओं को धोना है। अब यहाँ पर मैं 2 ग्रेटर से आपको बताऊँगी कैसे हमें चिप्स के लिए काटना है। 1 ग्रेटर मेरे पास ये है, इससे मैं आपको काट के बताऊँगी। और एक दूसरा ग्रेटर मेरे पास ये है, जो चिप्स की मशीन होती है, इससे बहुत जल्दी जल्दी कट जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता। बट इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें हमें मीडियम साइज़ के आलू लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो कटने में दिक्कत आएगी। तो आइए सबसे पहले मैं इस ग्रेटर से आपको बताती हूँ कि कैसे हमें चिप्स को काटना है। तो ये बड़ा आलू लिया, इस तरीके से इसको हम ऐसे काटते जाएंगे और हमारे बहुत फास्टली, बहुत स्पीडली आलू निकलते रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आलू के चिप्स हमारे यहाँ पर कटते जा रहे हैं। इतने बारीक हमको यहाँ पर चाहिए होते हैं। और साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे, हम इसको साथ साथ में पानी में डालते रहेंगे, बिना पानी के बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो देखिए, मैं काटती जा रही हूँ और साथ साथ में इनको पानी में भी डालती रह रही हूँ। तो इस तरीके से हम सारे चिप्स को काट लेंगे। अब आइए मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये दूसरी चिप्स मशीन है, ये स्पेशली चिप्स के लिए ही मशीन बनी है। तो इसको काटने के लिए हमें सबसे पहले तो आलू का साइज़ समझना होगा। इसमें हमें मीडियम साइज़ के आलू ही यूज़ कर सकते हैं, बड़ा साइज़ इसमें आएगा भी नहीं सही से। तो देखिए, इसको हमें पीछे को खींचना है, जैसे मैं बता रही हूँ, और इसके बीच में यहाँ पर ऐसे आलूओं को रख देना। रखने के बाद हम इस तरीके से यहाँ से हैंडल को पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमाते जाएंगे तो हमारे आलू से ऐसे बारीक, बिल्कुल कटते हुए गोल गोल चिप्स निकलते जाएंगे। तो इस तरीके से आप काट सकते हैं और इसकी जो मोटाई है बिल्कुल परफेक्ट है चिप्स के लिए। जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था उससे हल्के से पतले कटे थे, इससे बिल्कुल परफेक्ट इनकी चिप्स का साइज कटा है और साथ में इसकी मोटाई भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आप आलू के चिप्स घर पर काट सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत झटपट कट जाते। इस मशीन से तो बहुत ही बहुत टाइम, मुश्किल से 10 मिनट लगा और 4.5 किलो आलू के चिप्स कट गए। ये इतनी फास्ट काटती है, देखिए कितनी फास्ट लिए निकालिए, 1 से 1 मिनट लगता है मुश्किल से, जिसमें ये 2 से 3 आलू को आराम से काट लेती है। तो अब इसको सबको काटने के बाद हमें इसको अच्छे से धोना, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए। बिल्कुल स्टार्च को हमें निकाल देना है, बिल्कुल भी ना रहे। तो इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी में फिर से वॉश किया और देखिए, अब वॉश करने के बाद ये कितने सफ़ेद दिख रहे हैं, बिल्कुल इनका स्टार्च निकल चुका है। अब इनको हम पकाएंगे। पकाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम पानी रख देंगे उबलने के लिए, पानी उतना लहें कि जिसमें आलू अच्छे से डूब जाएं। और पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा उबलने देंगे। थोड़ा सा जब उबलने लगेगा तब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक यहाँ मैं व्रत का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल नमक को भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और उसके बाद इसमें हम आलू को डाल देंगे। जब हम आलू इसमें डालते हैं तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि आलू हमारे ठंडे होते हैं। तो जब थोड़ा उबलने शुरू होते हैं तब देखिएगा, तब हमें बस 4 से 5 मिनट
आपके लिए पकाना है, उसने में ये पक जाते हैं। हाथ से मैं आपको छू के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा दबने लग जाए आलू तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं, बस उतना ही हमें पकाना है। इसको पकाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हमारे ये बहुत बारीक कटे होते हैं। और इसको उबलते हुए पानी में इस तरीके से हम छन्नी की हेल्प से सबको निकाल लेंगे, इस तरीके से। इसको बिल्कुल मैं एक सिंपल तरीका बता रही हूँ, इसमें कोई आपको मैं ऐसे दूसरे तरीके नहीं बताई जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत सिंपल तरीका है, आलू को छीलना है और इनको साथ में ठंडे पानी में डालते जाना है और बाद में मशीन से काट लेना है। काटने के बाद अच्छे से स्टार्च निकाल देना और फिर उबाल लेना है। तो देखिए सारे उबल गए हैं और मैंने यहाँ 3 से 4 बर्तन यूज़ किए क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि सारे आलू एक में आ जाएँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने सबको उबाल लिया। अब मैं इनको लेके छत पे आई हूँ और यहाँ पर मैं एक एक करके इनको फैला दूंगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक को अलग अलग फैलाना है, बिल्कुल एक के ऊपर एक ना फैलाएं, इससे ये चिपकेंगे और अच्छे से सूख नहीं पाएंगे। तो इनको हमें एक एक करके बिल्कुल ऐसे फैलाना है, धूप में इनको फैलाएंगे और 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन बहुत है, यदि तेज़ धूप है उसमें आप सुखाइए। और आपके ये पूरे साल के लिए क्या कहूँ, 3 से 4 साल आप आराम से इसे रख के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मन चाहे तब आप इसे फ्राई कीजिए, चाट मसाला या दूसरे मसाले को तैयार करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए रेडी हो गए हैं, बिल्कुल इनको 2 दिन हो गए हैं, अच्छी धूप लग चुकी है और बिल्कुल क्रंची हो गए। इनकी आवाज़ ही बता रही है कितने क्रंची हो गए हैं। अब ये इनको मैं एक डिब्बे में स्टोर करके रख दूंगी और साथ में मैं आपको यहाँ पर फ्राई करके भी दिखाऊंगी। फ्राई हमें तब करना है जब तेल बहुत अच्छा गर्म हो जाए। देखिए तेल में डलते ही फूलने लगते हैं, इस तरीके से हमें इनको फ्राई करना। और जैसे ही तेल में डालें तुरंत इसको निकाल लीजिए, तुरंत ये अच्छे से सीख जाते हैं। और इसको इस तरीके से छन्नी की सहायता से हम सबको यहाँ पर छान लेंगे। तो अब देखिए एक राउंड के मैं निकाल चुकी हूँ, अब दूसरे राउंड के भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। डालते ही तुरंत निकाल लीजिएगा नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए कितने क्रंची और ये कितने सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर निकल रहे हैं। इस तरीके से चिप्स हम फ्राई कर सकते हैं, जब चाहे चाय के साथ, जब चाहे कुछ क्रंची खाने का मन करे, या छोटी भूख हो या मेहमान के आने पर या फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब आइए मैं एक आपको मसाला बताती हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, साथ में लाल मिर्च ली है और बाद में मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी जिससे इसका रंग बहुत अच्छा आएगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम जो फ्राई किए हुए चिप्स हैं उसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बन गए ना लेज वाले चिप्स, इस तरीके से आप घर पर बना सकते हैं और जब चाहें बच्चों को दे सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा कि घर के चिप्स बच्चे खा रहे हैं जो कि काफ़ी फ्रेश है और बहुत हाइजीन है। मैंने खुद देखा है कि पैकेट में कभी कभी बहुत ख़राब आलूओं के चिप्स रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने बच्चे को घर पर ही बना के दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और एक बार बनाइए, कई साल तक आराम से इंजॉय करिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलूंगी फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।